बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए, सभी मास्टर्स को। हमने छोटा सा 5-6 मिनट का ध्यान कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो जब वो फोन करते हैं तो उठाना ही पड़ता है, कुछ ऐसा आज हुआ। और हम सज्जन संगति भी पढ़ने वाले हैं। तो तुलसी दल का ये जो सेशन है, तुलसी दल किताब पत्री जी ने लिखी है, और उसका हम अब देखते देखते, अब वैसे तो काफी सारे सेशंस हो गए हैं, आप लोग भी अगर वो पूरा देखेंगे तो मुझे लगता है 20-25 मैंने गिने भी नहीं है, पर महीनों से हम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लग रहा है कि हम इसके हर पेज में नहीं, पर मुख्य मुख्य बातें भी इसमें से करें, नहीं तो ये फिर और भी महीना भर चलेगा। तो आपकी जैसी राय होगी वैसे हम करेंगे, पर आज जो है हम क्रम से ही चल रहे हैं। मेरा नाम अनुराधा है, और सभी मास्टर्स का, खासकर पत्री जी का, मैं दोबारा से नमन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रही हूँ। तुलसी दल ये किताब है जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए, कि उन्होंने किताब सर पढ़ते ही नहीं थे, उसका पर चिंतन मनन, उस पर मैसेज करते थे, और तब उन्होंने ऐसे अंडरलाइन अंडरलाइन करके कुछ नोट्स बनाए हुए थे। और किताब पढ़ने की एक जो ये एक परंपरा बोलो या एक हमको मोटिवेशन है, ये हमें पत्री जी द्वारा बताया गया है, और उन्हीं के नोट्स मुझे लगता है कि इस किताब में हर पृष्ठ में उनकी जो उन्हें उन्हें समझ आया वो लिखा है। तो आप स्पिरिचुअल टैबलेट्स में भी जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो हर एक किताब का ऐसे तो 200-300 पन्ने होते हैं, लेकिन उसमें से भी मुख्य बात क्या है कि इस किताब को पढ़ने से हमारे कौन सी मतलब हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है, ये इस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। तुलसी दल से हमें ये कि एक तो पूरी तरह से समग्र मतलब एक समग्र होलिस्टिक, और कितनी उन्होंने रीडिंग की है पत्री जी का उसका पता चलता है। कई सारे मास्टर्स उन्होंने क्या लिखे, हर पृष्ठ में एक किस्म से एक नई किताब का हम समरी पढ़ लेते हैं, और इस तरह हम बढ़ रहे हैं। तो आज जो पृष्ठ है पीडीएफ में 109 पन्ने पर है, ये है सज्जन संगति। तो सत्संग, सज्जन सांगत्य, ये मेरे मन में जब हम मैं मुझे मतलब ये करना पड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि सज्जन संगति में स्पिरिचुअल टैबलेट्स में तो कितना सारा कुछ बताते हैं कि हमें सज्जन संगति करनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए, उससे क्या होता है। तो वहां से मैं बस इसको जोड़ के आपको एक्सप्लेन भी करूंगी मेरे मन में क्या आया। लेकिन इस पृष्ठ में जो सत्संग सज्जन सांगत्य है उसका अर्थ पहले हम समझेंगे। तो पीडीएफ में ये पृष्ठ है 109। आपके पास किताब है तो आप, किताब भी मेरे पास है उसमें अलग पृष्ठ होगा, आप ढूंढ लीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है सत अधिक संग बराबर सत्संग, सत्य के साथ मिलन। सत्य अर्थात जो नित्य है वह, मतलब यह कि जो सभी काल में स्थित है वह। अपने लिए आप ही सत्य हैं, एक दूसरे के लिए सत्य नहीं बन सकता। सत्संग अर्थात सत्य के साथ मिलन अर्थात ध्यान। मात्र ध्यान में ही हमारे हमारा अपने से मिलन होता है, इसलिए हमारा अपने में स्थित रहना ही सत्संग होता है। सत अधिक जन बराबर सज्जन, जो सत्य को जानते हैं। सज्जन सांगत्य का अर्थ है जो लोग सत्य को जानते हैं उनके साथ मिलना। इसलिए भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने कहा है, त्रिज गति सज्जन संगति रेखा भवति भवा नव तरणे नौका, अर्थात किसी भी लोक में जाने पर भी योगियों के साथ मिलना ही चाहिए, अर्थात कि हमें अज्ञान के सागर में वे ही हमें पार करा सकते हैं। सत्संग अर्थात सत्य के साथ संगम, सज्जन सांगत्य अर्थात परम गुरुओं के साथ मिलन। बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, संघम शरणम गच्छामि, संघम अर्थात सज्जन, संघ अर्थात योगियों का संघ। तो ये थोड़ा सा अलग है जो कि हम
कहीं और हमारे मन या कम से कम मेरे मन में जो सज्जन संगति का था कि हम अनेक लोगों के साथ मिलकर जब ध्यान करते हैं तो वार्तालाप करने से हमें उनके ज्ञान का या उनके अनुभवों का ज्ञान होता है, पता चलता है। और हमारी अगर हमें कोई जैसे स्पिरिचुअल ईगो आ गई है, अध्यात्मिक में भी अगर हमारी कोई ईगो आ गई है तो उसको बैलेंस करने का, एक सज्जन संगति करने का करने से हमारी ईगो बैलेंस हो जाती है कि हमें पता चलता है कि वे भी कई लोग हमारे से मतलब जैसे एक्सपीरियंसेस पा रहे हैं या हमसे भी जैसे कि किसी ने अपनी बीमारी को सुधार लिया है, किसी ने पढ़ाई में सुधर लिया, मतलब अनेकों तरह से उन्होंने उनको लाभ मिल रहा है ध्यान का। और वो कितने समय तक ध्यान करते हैं उससे भी हमारे मन में, जो हमने अपने लिए कोई बना रखी है कि मैं तो 1 घंटा ध्यान करती हूँ तो बहुत है, ये भी सारी जो मतलब बिलीफ सिस्टम है या नोइंगनेस है अपने बारे में, वो ईगो कम हो जाती है। तो ये सब समझने के बाद जब मैंने ये पढ़ा तो इसमें अर्थ, उसका अर्थ ही अलग निकला कि सत्संग अर्थात कि सत्य का संग अर्थात कि जो हर समय ही स्थित है, यानी सत्य वो है जो हर दिन बदलता नहीं है, ऐसा हो गया सत्य। और सत्संग हो गया उन जैसे योगियों के साथ, उन मास्टर्स के साथ, उनके साथ रहना कि जो सत्य को जानते हैं, अर्थात कि जो ध्यान में लग गया वह सज्जन हो गया, वो ध्यान में स्थित है और मतलब जो ध्यान कर रहा है वो सत्य के साथ मिलन है, मिल गया है। और पहले तो सत्संग का अर्थ ही उन्होंने बताया कि वो सत्य के साथ मिलन अर्थात ध्यान, यानी कि सत्संग वो है कि हम जो कि अलग अलग नहीं है, हर दिन का जो सत्संग है वो अलग नहीं है। सत्संग अर्थ में मतलब दिखने में वो मतलब प्रैक्टिस में कुछ अलग दिखता होगा कि हम इस ग्रुप के साथ बैठे हैं, उस ग्रुप के साथ बैठे हैं, ऑनलाइन है, जूम पर है, इस तरह से लेकिन उसका जो अर्थ है कि वो एक किस्म का ध्यान ही है, यानी सत्य के साथ रहना ही है। तो ये एक अद्भुत, जो फर्स्ट पैरा में ही अगर आप देखेंगे तो ये एक अद्भुत और नई किस्म का ज्ञान है कि सत्संग ही वह चीज है जो एक किस्म से ध्यान है, अर्थात कि सत्य के संग हो गए, वो बोलते हैं ना योग हो गया हमारा, सत्य के साथ योग हो गया। ध्यान भी क्या है, सत्य के साथ या वह वननेस के साथ योग। वैसे हम उसमें सांस से जाते हैं ध्यान में, और यहाँ पर हम दूसरों के साथ रह के, या दूसरों के साथ तो बाद में जाएंगे पर पहले सत्य के साथ हम जब हमारा योग हो जाता है वह ध्यान है और वही सत्संग है। तो ये इसको पढ़ के मेरे दिमाग में ये आया कि सिर्फ किसी सभा में जाना ही, जहाँ पर कि ध्यान के बारे में या ऐसी चर्चा हो रही है, वो अपने आप में ही एक ध्यान का एक प्रकार है। ऐसा मुझे इस पंक्ति में ऐसा लिखा तो नहीं है पर ऐसे मेरी अनुभव में आया, ऐसे मेरी समझ आया। और ये जो डेफिनेशन थी सत्संग की, ये मेरे लिए एक अद्भुत थी, नई थी, और मुझे सोचने पे इसने मजबूर किया कि हाँ कितना अच्छी तरह से सत्संग को बताया हुआ है। तो सत्संग वह नहीं है, ध्यान वह नहीं है कि जब हम आंखें बंद करके एक कोने में बैठते हैं, वो भी एक किस्म का ध्यान है, वो भी एक किस्म का योग है, सत्य से मिलन है। परंतु जब हम उस ऐसे सत्य में स्थित हो जाते हैं जो कि बदल नहीं रहा है, वो भी सत्संग है या ध्यान है। तो वो किसी भी प्रकार से मिल सकता है, वो सांसों के योग के साथ मिल सकता है, वो किसी किताब में एक साथ उसके वननेस, कित किताब में क्या लिखा हुआ है उसके साथ हम बंध के भी सत्संग पा सकते हैं, या अर्थात किसी से बातचीत करते हुए, किसी टीचर से, किसी मास्टर से सुनते हुए उनका क्या अनुभव है वो भी सत्संग कहलाएगा। तो इसमें पहले तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, और भजगोविंदम में शंकराचार्य जी ने कहा क्या है, त्रिज गति सज्जन संगति रेखा भवती भावार्णव तरणे नौका, अर्थात भी किसी लोक में जाने पर भी योगों के साथ मिलना ही चाहिए, अज्ञान सागर से वही हमें पार करा सकते हैं। हम कई बार इस बात को जानते हैं कि हमारे माता पिता, या आप माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को बोलोगे कि उन
लोगों से दोस्ती करो जो कि क्लास में, जैसे कि स्पोर्ट्स में अगर आगे हैं, या मतलब पढ़ाई में आगे हैं, या अच्छी मैनर्स के हैं, या अच्छा डांस करते हैं, अच्छा म्यूजिक जानते हैं। तो जैसी आपकी मतलब रुचि है, उस हिसाब से जो उस चीज में लगा हुआ है उसके साथ दोस्ती करो। तो अब हम यहाँ पर ज्ञान अर्जन या ध्यान मार्ग में लगे हुए हैं, तो उन योगियों के साथ हम दोस्ती करें, या उनकी संगति में रहें, उनके साथ रहें, या किसी भी लोक में जाएं तो उन लोगों के साथ रहें जहाँ पर कि हम जहाँ जहाँ हम होना चाहते हैं, जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, हम मोटिवेशन है, इंटेंशन है, तो उस तभी हमारे अज्ञान का सागर जो है हम पार कर सकते हैं। अर्थात कि हम ये नहीं सोच सकते कि हम मैं सिर्फ उदाहरण के लिए दे रही हूँ कि अगर हम मैं किसी बार में जा रही हूँ और मैं शराब पी रही हूँ, तो वहां भी सज्जन संगति हो सकती है, लेकिन क्या मतलब पोटेंशियल है, क्या प्रोपोर्शन है, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर मुझे जो है वो लोग मिलेंगे जो कि ज्ञान मार्ग में लगे हुए हैं, या तो उस तरह के लोगों के साथ वहां पर जैसे हम उन लोगों के साथ संगति करेंगे, तो तब हम अज्ञान के जो इस भव सागर से तार हो जाएंगे या पार हो जाएंगे। तो इसमें यह भी एक भाव आ रहा है कि हम जिस लोक में हैं, यानी मनुष्य लोक में हैं, ऐसे तो हमें मतलब काफी सारी बुद्धि मिली हुई है, एनालिसिस करने का तरीका पता है, मतलब क्या हम सोच रहे हैं उसके बारे में सोचने का भी तरीका पता है, हमें ये पता है कि हम सिर्फ शरीर ही नहीं, हम एक आत्मा है, ये सब कुछ ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम अज्ञान के एक सागर में डूबे हुए हैं, और इस सागर से पार पाने के लिए हमें उस तरह योगियों की आवश्यकता है, या उनके साथ सत्संग करने की आवश्यकता है, और निरंतर आवश्यकता है। तो सत्संग, फिर अब उन्होंने ऊपर जो कुछ लिखा है वो सत्संग अर्थात सत्य के साथ संगम, सज्जन संगति अर्थात परम गुरुओं के साथ मिलन, और मतलब सिर्फ शंकराचार्य नहीं जी नहीं, और भी धर्म गुरु जो बुद्ध, यानी यहाँ पर गौतम बुद्ध, उन्होंने भी ये, आपने बहुत ये सुना होगा, संघम शरणम गच्छामी, अर्थात कि हम उस संघ के साथ शरण में आ जाएं। तो इस संघ शरणम गच्छामी, सज्जन के संग अर्थात योगियों का संग, अर्थात कि हम मतलब बाकी सब टीचर सिर्फ पत्री जी ही नहीं कह रहे हैं, या डॉक्टर जी के ही नहीं कह रहे हैं, बाकी सभी लोग भी यही कह रहे हैं। तो ये मेरी समझ में आया थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये मैं समझूं। आपको भी जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो आपके भी मन में कई सारे विचार आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझसे कोई लाइन छूट गई है, या किताब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें, यस मैम अन्नपूर्णा जी, थैंक यू। नहीं मैम, आपने तो सब बहुत अच्छे से बताया, कोई छूटा नहीं है। जब हम सत्संग से जुड़े थे, सत्संगी बोलते हैं बाहर के, देखो भले अलग अलग नाम है, जैसे ब्रह्म कुमारी है, या पीएमसी है, तेज ज्ञान फाउंडेशन है, या अभी योगदा वाले बोले, या फिर ब्रह्म और एक है ना गायत्री परिवार, सभी तो सत्संग ही है। लेकिन सत्संग का मतलब जहाँ पर सत्य का हो, नहीं तो संग तो बहुत है ना, रोटरी क्लब है, लायन क्लब है, या फिर जैसे आपने बोला जहाँ पर जाके शर पार्टीज में वो कर रहे, वो भी तो संग में बैठे, लेकिन जहाँ पर सत्य की बात होगी वो सत्संग। सत्य यानी जो अटल है, चाहे वो आप अमेरिका में जाओ, या फिर यूरोप में जाओ, या स्विट्जरलैंड जाओ, वो सत्य बदलने का नहीं, ट्रुथ जो बोलते हैं, उसके साथ जो संग होगा तो वो सत्संग हो गया। अब वो सज्जन सांगत्य ने, सज्जन तो होना ही पड़ेगा उसको, सत्य के साथ है तो वो सज्जन ही है, नहीं तो हाँ ठीक है, हम हमारा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जैसे होता है ना संग में है, तो एक बोलती है ना चेतना, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अगर हम संग में है, एक की चेतना गिरी है, जैसे मैं बेस्ट एग्जाम्पल बोलूंगी अपना स्पाइरल्स, स्पिरिचुअल स्पाइरल्स भी एक सज्जन सांगत्य ही, या संगत सत्संग है, एक की चेतना अगर गिरी है दूसरा उठा सकता है उसको। जैसे मेरी चेतना मान लो मेरे परिवार के कारण, या आरोग्य के कारण, या इंसिडेंट्स के कारण चेतना गिरी,
सही बात है कि हमारी कभी लाइट चली जाती है, कभी हमारी लाइट डिम हो जाती है, तो वो हमें बाकी सारे लोग पकड़ लेते हैं या हमें संभाल लेते हैं। और आपने ये भी सही कहा कि सज्जन संगति वो होती है जो सत्य के पीछे लगी हो, यानी कि वो वाली बात आपने जो उसको रूपा मतलब अंडरलाइन किया वो मेरे समझ में आ गई कि सज्जन संगति वह है जो हम जैसे कि जिस तरफ हम जा रहे हैं सज्जन संगति करने के उसमें जा रहे हैं कि हम सत्य को जानने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें जब हम जुड़ेंगे उस वैसी संघ को सज्जन संगति कहेंगे। तो ये लिखा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पृष्ठ में पढ़ते हैं, और आपके मन में अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फिर हम आखिरी में भी जब सबका समरी करेंगे तब भी हम इसको आगे पूछ सकते हैं, हम इसको या जोड़ के हम बता सकते हैं कि मुझे तो ये समझ में आया। तो दूसरा पृष्ठ हम लेते हैं, नेक्स्ट इन द लाइन, नेक्स्ट इन आर सिलेबस, वो है 110 पन्ने का, राक्षस मानव देव। अब तो शीर्षक में ही मतलब पहले से ही लिखा हुआ कि तीन प्रकार के मनुष्य हैं, राक्षस मानव देवता। राक्षसता जिनमें है वे राक्षस हैं, उनका मानना है हिंसा परमो धर्म। मांस भक्षण करने वाले सभी राक्षस ही हैं। हमारी राक्षसता ही हमारे लिए अष्ट दारिद्र्य लाती है। अब दारिद्र्य भी नहीं, अष्ट दारिद्र्य लाती है। जो अहिंसात्मक है वे मानव हैं, उनका मानना है अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने बुद्ध और महावीर की सूत्र के अर्थ को ग्रहण किया है, प्राण हिंसा और मांसाहार का त्याग ही मानवता है। अब शतपथ ब्राह्मण वेदोक्ति के अनुसार विन्दुषो हि देवा, वेद में विद्वान को देवता कहते हैं। विद्वान अर्थात आत्मज्ञानी, विद्या अर्थात आत्मविद्या। तो पहली राक्षसता का नाश कर लेना, बाद में देवत्व को प्राप्त करना चाहिए। तो ये अगर हम नेक्स्ट पेज देख रहे हैं कि सज्जन संगति के बाद ये आया है, तब हमें वो तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, ऐसा मुझे लगा कि सर हमें कॉन्सेप्ट तो बता दिए कि भाई हमें सज्जन संगति करना चाहिए, पर हम फिर एक नेक्स्ट ही पेज में हमें क्या मिरर्स ही दिखा दी है कि आप कैसे हैं। तीन प्रकार के मनुष्य हैं, राक्षस मानव और देवता। तो हम क्या अहिंसा करते हैं? तो वे लोग जो अहिंसा करते हैं वे मांस का भक्षण करते हैं। उनका एक प्रॉपर्टी क्या होगा जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, और हमें भी जो राक्षस प्रवृत्ति अभी भी बाकी है उसमें हम मांस भक्षण करने वाले राक्षस हैं। हमारी राक्षसता ही हमारे लिए अष्ट दारिद्र्य लाती है। तो अहिंसा परमो धर्म और दरिद्रता के बारे में जो ये जोड़कर ये जो दो एक पैराग्राफ लिखा है वो ये है कि जब हम अहिंसा करते हैं तो अर्थात हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, हम किसी से अब किसी को अपने से कम समझ रहे हैं, यानी कि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि उसमें भी वही मतलब प्राण है जैसे कि हम में प्राण है, और उसका भक्षण करना यानी कि हम अपने ही जैसे एक प्राणी का भक्षण कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उसे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे जो हिंसा है उससे दारिद्र्य ही अल्लाह आता है या लाती है। अब इसमें आप देखेंगे कि ऐसे पता नहीं चलता है, यानी कि पश्चिम देश में तो ये एक आम, या पश्चिम क्या हमारे भी देश में कई भागों में जो मांस भक्षण है वो एक आम चीज है, और उसमें दरिद्रता कैसे मतलब उसका कैसे जैसे क्या बोलेंगे कोरिलेशन क्या है। ये कोरिलेशन के बारे में मेरे यही समझ में आया कि जो अगर हमारे मन में अगर राक्षस प्रवृत्ति है, यानी हम किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी को कम महत्व किसी को ज्यादा महत्व देते हैं, और ये भी नहीं समझते हैं कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है, यानी अहिंसा करने में हमें लगता है कि यही एक परमो धर्म है या हिंसा ही हमारा धर्म है, हिंसा से ही हमें कुछ मिल सकता है, हिंसा करने से ही मुझे ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, धन प्राप्त हो सकता है, वह हमें दरिद्रता की ओर ले जाता है। अर्थात ये पढ़ने से मेरी ये लगा कि तुरंत ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आज मैंने मांस भक्षण किया
और कल मेरे पास से सारे पैसे चले गए। लेकिन ये सब कुछ समय के साथ साथ या इस कई साल और या आज की दरिद्रता मेरी उस कारण से है कि मैंने पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी पिछले समय में कितनी राक्षस भावना से मैं जी हूं। तो तुरंत से नहीं आएगा ये कह देना कि अब मैंने मांस मुंह में रख लिया तो अब मैं कल से दरिद्र हो जाऊंगी। नहीं, वैसा नहीं। ये दारिद्र्य वह दारिद्र्य इस तरह का है कि ये मेंटल दारिद्र्य है, यानी कि हमारी विजडम नहीं आई है। हो सकता है ऐशोआराम में रह रहे हो, लेकिन मेंटल जो हमारी विजडम माइंड है, विजडम या मेंटल शक्ति है, उसका अभी तक मतलब वो अभी तक विकसित नहीं हुई है। ऐसी दरिद्रता का ये मतलब बताया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो अहिंसात्मक है वे मानव हैं, उनका मानना है अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने बुद्ध को और महावीर के सूत्र को ग्रहण किया है, यानी उनकी इम्पोर्टेंस समझी है। कई बार आप देखेंगे हमारे परिवार में कहीं कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो मांसाहारी मतलब मांसाहारी परिवार में पैदा होकर भी मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि उनमें वह प्रवृत्तियां हैं कि उनको पहले से ही मतलब 2 साल या 3 साल 4 साल में ही उनको ऐसे मन में प्रवृत्ति आ जाती है, नहीं मैं मांस नहीं खाऊंगा। तो वह उनका क्या है, उन्होंने इस सूत्र को पकड़ लिया, उसको समझ लिया, उसको आत्मसात कर लिया है कि अहिंसा परमो धर्म। तो उनको माना कि गुरु का पता ना हो, बुद्ध या महावीर का पता ना हो, लेकिन वे अपने स्वाद के लिए अब किसी जानवर का, किसी प्राणी का वध नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग मानव कहलाते हैं। और अब देवता कौन है, तो हमने राक्षस समझ लिया, मानव समझ लिया, और अब हम समझते हैं कि जो देवता है वह कौन है। तो देवता इसके हिसाब से, पत्री जी के हिसाब से, इस किताब के हिसाब से, देवता वही नहीं है कि जो फोटो में हम देखते हैं कि उनको हम हार चढ़ाते हैं, वह नहीं है। इसका क्या मतलब है, अब शतपथ ब्राह्मण वेदुक्ति के अनुसार विन्दुसो ही देवा, वेद में विद्वान को देवता कहते हैं। विद्वान अर्थात आत्मज्ञानी, विद्या अर्थात आत्मविद्या। पहले राक्षसता का नाश कर लेना चाहिए, बाद में देवता को प्राप्त करना चाहिए। अर्थात कि हमारे या इसको ये समझ सकते हैं कि जो आत्मज्ञानी हो गया, जिसे ज्ञान आ गया, ज्ञान अर्जन हो गया, ज्ञान के मतलब कि ये जो हम बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, सिर्फ शरीर नहीं है, इस तरह का जो उनका सिर्फ बोलने में नहीं, उनके हर तरह के मतलब हर आचरण में, बोलने में, वाक शक्ति बोलने में, उनके थॉट्स में, ऐसे पूरे ही समय में, सभी समय में जब वे एक ज्ञानी हो जाते हैं, यानी उन्हें आत्मविद्या आ जाती है, अपने बारे में ही वो स्व के बारे में चले जानते हैं और ध्यान में ही रहते हैं, यानी कि उस सत्य के साथ रहते हैं जो कि हमने पहले पृष्ठ में पढ़ा, पहले टॉपिक में पढ़ा, वे लोग देवता कहलाते हैं। और ये कहाँ से लिया, वेद में विद्वान को ही देवता कहते हैं पहले। और ये जो लास्ट लाइन है जो बोल्ड में लिखी हुई है कि हमें मतलब जो राक्षसता का जो भाव है वह जब उसका नाश ही देवत्व में परिवर्तित होता है। बोलते हैं ना, जब पूरी जगह डार्कनेस हो तो इतनी भी लाइट आ जाती है तो पूरी जगह लाइट आ जाती है, जब हम लाइट ऑन करते हैं रात हो जाती है तो पूरा कमरा वो हो जाता है। तो जिस जब हम राक्षसत्व के जो भी गुण हैं या जो भी अज्ञान है उसको मिटा देंगे तो अपने आप ही देवत्व आ जाएगा। तो ये दोनों पृष्ठ बड़े ही एक किस्म से थोड़े थोड़े एक जैसे हैं, लेकिन पहले में मुझे लगा कि हमें कॉन्सेप्ट बताया गया, थ्योरी बताई गई कि सज्जन संगति क्यों होती है, लेकिन फिर हमें बताया गया है कि मानव से देवता, पहले तो हमें राक्षसत्व राक्षस भाव नहीं रखना है, या उससे उससे ज्ञान द्वारा समझना है कि हमें मांस भक्षण नहीं करना है या गुस्सा नहीं करना है या जो भी राक्षस जो प्रवृत्ति होती है कि किसी को हरा के, किसी का छीन के अपने अपने भक्षण करना, अपने लिए अर्जन करना, अपने पास रख लेना, वह नहीं होते हुए भी हम सिर्फ मानव है कि अगर हम सिर्फ अहिंसा कर रहे हैं
अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो गया अर्थात कि उसे अपने बारे में जानने लगा वो, तो वो आत्मज्ञानी होगा, उसे आत्मविद्या आ गई। और ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को हम देवता कहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत मैंने जो समझा वो बता रही हूँ, या आपने भी कुछ और आपके मन में आए तो, या पहले पृष्ठ से या इस वाले पृष्ठ से, तो आप जरूर बताएं। आजकल मैं सोच रही हूँ कि दो दो पृष्ठ ही करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर पृष्ठ में कुछ ना कुछ कम करें, कम सेशंस करें, पर जितना करें गहराई से समझें, उसको उदाहरणों से समझें तो बढ़िया रहेगा। आज हमने दो पृष्ठ किए, पहले हम तीन तीन भी कर लेते थे, तो आज हमने ये वाला पृष्ठ किया, सत्संग सज्जन संगति। तो सत्संग में जैसे अन्नपूर्णा मैम ने कहा कि उस संघ के साथ रहना जो कि सत्य के साथ रहना हो, सत्य के साथ रह रहा हो, उसी की बातचीत कर रहा हो, वैसी सज्जन संगति। और राक्षस मानव देवता की भी जो क्या क्वालिटीज है वो हमने आज देखी। तो इस पर ही हम थोड़ी बहुत आगे चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारी क्या समझ में आ रहा है सज्जन संगति से, या मानव दानव और देवता के जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं उसमें से क्या समझ में आ रहा है। तो आप अनम्यूट करके थोड़ा बहुत अपने उदाहरण दे सकते हैं, या आपके मन में कुछ प्रकरण आया इसको सुनकर, या कुछ ज्ञान आया, या कुछ याद आया तो जरूर बताएं। बोलूं तो मुझे इन दोनों जो पृष्ठ थे उनको पढ़ के यह लगा कि हम बहुत तवज्जो, बहुत सारा इम्पोर्टेंस इस बात में देते हैं कि मैं ध्यान कर रही हूँ कि नहीं, मैं किताबें पढ़ रही हूँ कि नहीं, मैंने प्रचार किया कि नहीं। ये सारे एक क्या बोलेंगे, एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज कि इसके माध्यम से हम सज्जन संगति ही कर रहे हैं, चाहे हम किताब पढ़ रहे हैं, चाहे हम ऐसे मतलब जूम के सेशंस में आ रहे हैं, चाहे हम प्रचार के लिए कहीं पर जा रहे हैं, या किसी को अपनी मतलब जो हमने सीखा है थोड़ा बहुत वो बता रहे हैं। सब कुछ सज्जन संगति में आएगा, क्योंकि हम जो टॉपिक चूज किया है, जो टॉपिक चूज किया है, हम आत्मज्ञान के बारे में ही बता रहे हैं। जब मैं किसी को ध्यान के बारे में बता रही हूँ कि आप अपने सांसों के साथ रहिए, और एक ये तरीका है अपने भीतर जाने का, अपने अंदर जाने का, अपने अंदर से जुड़ने का, और उससे जुड़ने का जो कि बदलता नहीं है, तो वह सज्जन संगति है। जब मैं किसी किताब के बारे में चर्चा कर रही हूँ, और ऐसी ग्रुप में चर्चा कर रही हूँ जो कि इसी में लगा हुआ है, वो भी सज्जन संगति है, वो भी एक ध्यान का प्रकार है, तो मुझे ये समझ में आया। तो आप अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें, या किसी पंक्ति को अपने शब्दों में कहना चाहें, जरूर मंजू जी। नमस्ते, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, कई दिनों बाद आपका चेहरा दिखाई दिया, वैसे तो अन्य प्लेटफॉर्म पे दिखाई देता है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए। अनम्यूट कर लें मैम, अनम्यूट कर लें। मैम अपने से दूसरे पे खुल जाता है और मैं इसमें इतना कोशिश करती हूँ खुलता नहीं। आज पारुल को बुलाया मैंने कि पारुल देखो क्या बात है, हम इतने दिनों से पर्दे के पीछे रह रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, एंड शी ट्राइड, अपने से खुल गया। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। और ठंड हो रही है, और आप आज हम लोग तुलसी दल के ही दो पेज किए, सज्जन जी संगति और राक्षस मानव दान, राक्षस मानव और जी देवता के बारे में जो जी डेफिनेशंस थे। तो जो जी डेफिनेशन हमारे मन में होते हैं और किताब में होते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। सज्जन जी संगति का उन्होंने बताया कि सज्जन संगति वो है, जैसे तो आप उस वक्त थे नहीं, पर सज्जन संगति का बताया कि जो सत्संग यानी सत्य के साथ हो, ऐसा सज्जन से। अगर उसको संधि विच्छेद करें तो उसका मतलब यही है कि सत्य के साथ रहना ही सज्जन संगति है जी, संधि, ना? यहाँ पर संधि विच्छेद करते ही तो वो अर्थ निकला है। हाँ, लेकिन आम में हम वो समझ लेते हैं कि मतलब जब हम ग्रुप में हैं तो वो हाँ सज्जन संगति हो गई है ना। आपस में बात करने वाली, उसमें ये भी नहीं, कोई कोई क्रिटिकल भी हो सकता है, कहीं कहीं डिस्कशन वाली जो स्टेज जो जगह होती है वहां पर
कभी पॉजिटिव बातें होती है, कभी कभी निगेटिव भी होती है, तो वो सज्जन संगति नहीं होगी ना, जी मैं जी मेरे ख्याल से। जी सही, आप सही बता रहे हैं। तो अगर हम किसी चीज पर ही लेकर बहुत वाद विवाद कर दिए और कुछ इस तरह के विषयों पर हम अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं कि जो इस सत्य के साथ नहीं है, आज ये है तो कल बदल जाएगा, अगर हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं तो तब वो सज्जन संगति नहीं है, तब तो फिर गॉसिप हो गई या अहम बातचीत। हाँ, वही बात है, वही है। तो उसी तरह अब उसके उदाहरण में ये आएगा कि अगर हम पॉलिटिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं तो आज पॉलिटिक्स में ये मुद्दा उठा हुआ है तो कल कुछ और उठेगा, या जी फैशन या इस तरह की चीज जो हाँ आज है वो कल कुछ और बदल जाएगी या कई नए मुद्दे आ जाएंगे, वो नहीं। लेकिन ये जो हम अपने आत्मज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं वो तो अगर एक प्रोसेस भी है तो भी हम अपने नए नए रूपों से, नए नए जैसे एक्सपीरियंसेस से अपनी ही बारे में जान रहे हैं, ऐसी संगति को सज्जन संगति कहेंगे, ये कहा गया है। तो ये तो आज विनीता जी, अनघा जी और आरती, आप थोड़ा सा अपना बताएं, अनम्यूट करके आपने क्या सुना, क्या समझा इन इन पैराग्राफ से, थोड़ा ऐड करें प्लीज। जो सत्य है और वो सत्य को जिसने जाना है वो सज्जन है, और ऐसे लोगों के साथ मिलकर हम लोग सत्य के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में ही जानते हैं, तो वो सज्जन संगति होती है। वो बराबर है आपने जो बोला, जी वो ना, जी, बहुत और बहुत। मैं नहीं, पत्री जी हमें बता रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरे लिए ना एक एक नई अनुभव था, क्योंकि सज्जन संगति जो स्पिरिचुअल टैबलेट का है उसमें ये बात को इतनी मतलब अंडरलाइन नहीं, उसके संधि विच्छेद से नहीं कहा जाता है, ये इससे कहा जाता है कि भाई सज्जन संगति में हमारे अनेक जो ऊर्जाएं हैं वो एक मिल जाती है, और ऐसे जो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप में मेडिटेशन होती है उसमें जो है हम लोग जब ग्रुप मेडिटेशन होती है वहां पर ऊर्जा इतनी मतलब एक किस्म से बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है कि हमारे वहां पर मतलब बोलते हैं ना साइकिक वो कर क्या बोलेंगे मेंटल लेवल पे कुछ सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि शायद स्पिरिचुअल टैबलेट हीलिंग के बारे में या हेल्थ के बारे में ज्यादा है, तो वो सज्जन संगति के उस वाले पॉइंट पर ज्यादा एक फोकस करता है, जबकि यहाँ पर उसको संधि विच्छेद करके उसका अर्थ समझाया गया है। ये मतलब इसमें मुझे मतलब एक गहराई लगी, एक लगा कि हाँ ये कुछ अलग से इसको हमें उदाहरण के साथ मतलब उसकी व्याख्या करके बता रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। और हमेशा अकेले ध्यान करने से सामूहिक ध्यान करेंगे तो फिर हाँ वो ध्यान अच्छा होता है हमारा, और ज्यादा अच्छा हम कंसंट्रेट कर सकते हैं और कुछ अलग अनुभूति आती है। ये तो बिल्कुल वो सही बात है। हाँ, कल कल मेरा ऐसा ही हुआ। मैं हमारे पुणे में एक ऑफलाइन इवेंट था, दीप्ति नाडेला मैम आई थी, तो उन्होंने हमारा ध्यान लिया, 1-1.5 घंटा ध्यान लिया, तो इतना अच्छा मेरा ध्यान लगा, ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया में गई हूँ। और वो बाद में वो बोली कि अभी आप भौतिक शरीर में वापस आ जाओ, अभी मेरे को ऐसा, मैं जाग जाग गई, ऐसा दूसरी दुनिया से ये दुनिया में आ गई। तो ऐसा कभी मेरा ऐसा ऑनलाइन में कभी होता नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में कुछ अलग ही, सब सज्जन लोग आजू बाजू में रहते हैं, उनकी भी एनर्जी मिलती है, और बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुभव साझा करने में, इतना मन प्रसन्न हो गया, थैंक यू। फोटो कल। डालिएगा अगर आपने फोटो ली वहां की तो। मैं एक हाँ बात बोलू मैम, जब ऑनलाइन में भी हम लोग जब ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो उसकी एनर्जी जो होती है वो इंडिविजुअली अलग करने वाली अनुभूति से एकदम फर्क होती है। सही बात, ग्रुप में बहुत ज्यादा अंदर से पता नहीं, बहुत स्पेशल सी एनर्जी, मतलब यू फील वेरी हैप्पी,
अच्छा लगता है। और अकेले करने में मुझे लगता है ज्यादा, मतलब ज्यादा मेहनत करो तो एनर्जी गेन होती है। ये मेरा ये भी अनुभव रहा है। एक तो डिफिकल्ट होता है अपने आप में हाँ डिसिप्लिन लाना कि 1 घंटा करना है, लेकिन वहां पर जो हाँ है ग्रुप बैठा रहता है, तो वो हाँ ग्रुप एक तो वो समय बंधा हुआ होता है कि हम करेंगे, हम गए ही उसलिए होते हैं कि हम ध्यान करें। तो बिल्कुल उस पहले तो हमारी प्रिपरेशन वहां तक ट्रैवल करने की होती है, फिर वहां पर हाँ बैठने की, फिर वहां की ऊर्जा को अनुभव करने की। हाँ और हाँ मैंने भी ये अनुभव किया अभी कुछ 15-20 दिन पहले, एक ऑडिटोरियम में यहाँ पर हुआ था। कुछ मतलब कुछ ही मिनटों का हुआ था, चार मतलब 1.5 घंटा भी नहीं हुआ था, मेरे को लगता है कि 40 मिनट का हुआ होगा, क्योंकि उनको कुछ बताना भी बहुत कुछ था, तो चालीस जी मिनटों का हुआ था। पर मैं मतलब ऐसे हो गई, मैं यहाँ पर भी नहीं, ऐसे सीट में ना ऐसे हो गई मैं ऐसे। और ओ जब वो खत्म हुआ, जैसे अनघा जी बोल रहे हैं कि वो जब खत्म हुआ तब मैं होश में आई, और मुझे लगा कि मैं ना या तो घर में सोई हुई हूँ, या मतलब मेरी समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ सोई हूँ। तो आधे सेकंड को जब वो बोले ना कि अब खत्म हो गया, तब मेरी समझ में आया कि मैं तो ये ऑडिटोरियम में हूँ। और इतना मतलब मन ऐसे वो हो गया कि, और ये वाला अनुभव जो आप कह रहे हैं, अलग अलग जगह, जैसे एक पिरामिड में जब मैं वहां पर परिनिर्वाणा में गई जो ग्रीन पार्क में है, वहां जी अलग किस्म का था। वहां पर थी तो वो छोटी सी जगह, लेकिन जब पहली बार गई तो वो जो एक किस्म की पिरामिड की एक ऊर्जा होती है ना, तो वहां पर वो एक अनोखी ही थी कि मैं आंखें बैठी, मतलब कभी होता है ना, मेरे साथ तो ये होता है कि आंखें करो बंद, फिर 4-5 मिनट बाद थोड़ा सा और गहरे फिर इस तरह से होता है, लेकिन वहां पर तुरंत से मैं ऐसी अवस्था में आ गई कि मेरी आंखें ही नहीं खुली ऐसे। जी ऐसा प्रेमनाथ सर कहते हैं, आप आंख बंद करो और आपको तुरंत जो है आप उसमें चले जाओगे डीप मेडिटेशन में। पता नहीं उनकी उतनी पावर हो गई है, हमको तो टाइम लगता है मैम। हाँ, तो अपना जो अनुभव वो उनका अनुभव होगा, लेकिन ऐसी कोई स्थान होते हैं या मतलब हाँ संगति होती है कि जी आपको 2 मिनट, जैसे कई बार आपने सोने में भी देखा होगा कि कई बार आपको आधे घंटे तक भी नींद नहीं आएगी, और कभी आप ऐसा होगा कि आप लेटे 2 मिनट में आउट। मैं मेरा ऐसा ही होता है आजकल लेटी और आंख बंद हो जाता है बिल्कुल। तो ये है, तो सबके अनुभव, तो उसी तरह ध्यान का अनुभव जो है, ध्यान का अनुभव अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। तो आज के विषय को इसको जोड़ते हुए कि हम जब ऐसा ध्यान कर रहे हैं या ऐसी संगति में है जो सत्य के साथ, मतलब उसके गोल उनका सत्य है, तब ऐसे को सत्य कहेंगे। तो मैं काफी बोल चुकी हूँ, लेकिन अन्नपूर्णा जी और आरती जी प्लीज अपने 2 शब्द कहें। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम, वेलकम बैक। मैं जो मुझे समझ में आया है वो ये कि मैं सिर्फ ये सोचती थी कि जो लोग गॉसिप नहीं करते और किसी की बुराई नहीं करते तो वही सज्जन संगति है, बट जो लोग मांस ले खा रहे हैं और शराब वगैरह ये सब चीजें ले रहे हैं वो संगति भी अच्छी नहीं है। वो भी सज्जनों की संगति तो है नहीं, पर उसको हम ग्रांटेड भी लेते हैं कई बार कि यही तो खा रहे हैं यही तो ले रहे हैं, तो मुझे यही समझ में आया। हाँ, कभी कभी तो हम अपने मतलब देखिए, हमें ये दोनों बातें हो सकती है आरती जी, अगर आप कि मतलब हमें उनमें ऐसा नहीं, हमें पूरी पेशेंस के साथ उन्हें डील करना है, लेकिन जब हम ध्यान कर रहे हैं या सज्जन संगति कर रहे हैं उनके साथ, या हमें ध्यान के बारे में, हम ध्यान के बारे में बताएंगे तो क्या पता उनको भी अहिंसा के बारे में अपने आप धीरे धीरे विजडम आने लगे। आपने ये देखा होगा कि अगर एक परिवार में कोई बात नहीं, 5 साल 10 साल एक परिवार में एक ही पर्सन ध्यान कर रहा है, या 6 महीने 8 महीने, धीरे धीरे बाकी लोग भी कैसे एक किस्म से शांत भाव के होने लगते हैं। आपने यह अनुभव किया होगा, तो लेकिन आपका डेफिनेशन सही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो मांसाहारी हैं उनको ध्यान ना सिखाएं, लेकिन हमारे अंदर जो है उनके लिए कंपैशन होना है,
और हमें ये समझना है कि आज मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ या प्रचार कर रही हूँ, लेकिन ऐसी संगति ढूंढू जहां पर मतलब ऐसे लोग हों जो कि इसी उद्देश्य से वहां पर जुड़े हैं, आत्मज्ञान के बारे में जानने के बारे में। सभी को आत्मवंदन। ऐसा लगा जैसे मैम ने बोला ना कि बहुत सारे संघ होते हैं, कहीं कुछ और कहीं कुछ और, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। जैसे लेडीज की बहुत सारी होती किटी पार्टी है, ये भी संघ जानते हैं। कभी कभी हम उसमें कहने की हिम्मत नहीं कर पाते कि ध्यान के बारे में उस जगह पर बात करो, क्योंकि कोई वहां पर उस लेवल का नहीं रहेगा, वो या तो मजाक उड़ाएंगे या वो करेंगे। तब हमें खुद की सुरक्षा करनी पड़ेगी कि अपनी चेतना ना गिराए। वो भी सुरक्षा चुप करनी पड़ेगी अगर रहे। ये मजबूरी से आपने जा रहे बिल्कुल हैं। इसी सही तो बात क्या रखा कि कौन किसकी ऐसे हिम्मत होगी तो किसी पार्टी में ये कहे ना। लोग हमें नहीं, नहीं कभी मैम कभी क्या होता डिफेंस है, बुलाते नहीं है, धीरे धीरे वो लोग अलग हो जाते हैं, उनको समझ में आता है ये हमारी फ्रीक्वेंसी का नहीं है। लेकिन अगर कभी जाना पड़े तो हमें अपने आप की चेतना को, हम जिस लेवल पर उससे नीचे ना जाए, भले उनको बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, वो परिस्थिति बताएगा, या उनकी चेतना का भी वो फर्क पड़ता है ना, वो उस लेवल पे होंगे ही हमारे मुंह से निकलेगा, नहीं तो वो नहीं निकलेगा। या फिर उनकी प्रार्थना होनी चाहिए सत्य के राह पर आने का, नहीं तो वो अपना मस्त में ही रहते हैं, खाना पीना हो गया, या फिर वो क्या आजकल बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, मुझे इतना जानकारी नहीं है, भले वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन उससे फायदा क्या है? यही मुझे कभी कभी लगता है। वो लोग एंजॉय कर रहे हो अलग बात है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इसको लगता है मनो शरीर को तो टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा चलो ऐसा हम हम अकेले सोचते करते हैं ना हैं, मैम। हम सोचते हाँ हैं। हाँ वो उनके लेवल पे ठीक है, वो उनके कुछ लिए खुशी ठीक है। के लिए ठीक है, वो उनके अपनी खुशी को बरकरार रखना चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरना चाहिए वहां पे भी स्तर उनकी, उन लोगों की भी नेगेटिव बातें वगैरह नहीं होना चाहिए। सत्संग है ना, यही है कि जहाँ पर सत्य के साथ हम बात करें, सत्य के बारे में ही सोचे, सत्य के बारे में बात करें, भाव विचार वाणी सबको प्योर करने की कोशिश करें। या फिर जैसे पत्री जी बोल रहे, बुक्स स्वाध्याय का है जो भी है, या ज्ञान के बारे में, हाँ स्पिरिचुअल टैबलेट में तो उसकी उसका अलग लेवल पे होता है कि भाई सज्जन जी सांगत्य करने से अहंकार गिरता है या मिसकॉन्सेप्शन डिसॉल्व होते हैं, लेकिन जी यहाँ पर सत्संग के बारे में क्लियरली नोट किया है। और लेकिन मेरे ही जैसे ग्रुप मेडिटेशन का उन्होंने बोला, मेरे को घर में भी अगर ग्रुप मेडिटेशन करवाते हैं, दीप्ति मैम का है, तो मेरे को वो फिर वो हो जाता है। कभी होता है ऐसा, कभी कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जैसे ऑफलाइन बोला, उसमें तो बहुत पावर होती है, वो मेंटर की भी पावर होती है, और दूसरी जो ध्यान कर रहे हैं एनर्जी है ना, वहां महसूस कर पा रहे हैं शिक्षा है ना, तो वो भी दोनों तरह से बहुत अच्छा रहता है। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। ये सही बात है, मैं कई बार जो वो म्यूजिक भी लगाती हूँ तो वो सिर्फ पत्री जी का ही इसलिए लगाती हूँ कि उसमें कुछ एक अलग किस्म की ऊर्जा है, कि ऐसे मन में ऐसा आता है कि हम उनसे जुड़ गए, चाहे वो बिल्कुल ऑनलाइन ही उनके जी म्यूजिक से जुड़े हैं और जी दीप्ति मैम और स्पेशली इन। उनकी फ्लूट जो है ना मैम, वो हाँ बहुत ही ज्यादा पता नहीं से इंटॉक्सिकेशन टाइप का जैसे ना वो होता है, एकदम खिंच जाता है उसमें। इट्स सो मतलब यू फील सो नाइस। मैं मॉर्निंग में लगा देती हूँ उनका। हाँ एक बार मैं डॉक्टर निशा लगता है ना बजा रहे हैं, वो खुद बजा रहे हैं आके हमारे पास बैठ के, हाँ ऐसा ये बात होता सही है। है, हाँ ऐसा लगता है। वो आ गए हमारे घर में आ गए, ऐसे लगता है रिजिट का चला हो तो एक बार है ना बढ़िया। मैं, और हर बार मेरे साथ तो ये होता है कि हर बार अलग अनुभव होता है, जैसे कि आज ऐसा हुआ कि मैं तुरंत से चले गई, आज ये हुआ कि मैं खुश हो गई, या आज ये हुआ मेरी थकान चली गई। मतलब एक ही म्यूजिक को लगा कर भी अलग अनुभव, अलग तरीके से अनुभव। एक बार मैं बस एक ही आखिरी चीज बताना था कि डॉक्टर न्यूटन के यहाँ पर हम गए थे QLU में, आजकल हमारे मैम गई हुई है ना, रीटा मैम, और कई हाँ रीता सारे मैम गई हैं। मास्टर्स गए, तो वो एक ध्यान कराते हैं जो 3 घंटे का होता है, मतलब 3 घंटे तक हमें आंखें नहीं खोलनी होती, वैसे तो कराते रहते हैं पर वो घंटे घंटे का होता है, एक दिन 3 घंटे का कराते हैं।
तो उस घंटे तो वो उन्होंने क्या कहा, ऐसे हम लोग बैठे और पता नहीं शायद 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद उन्होंने ये कहा कि आप अपने भीतर जाइए। अच्छा। ये वाली लाइन जब उन्होंने बोली ना, उसके बाद मतलब मैं कई बार, मतलब मैंने तो सुनी है ये लाइन, पर जब वो मे बी दैट फ्रीक्वेंसी वॉट एवर दैट थिंग वॉज कि उस क्लास में या उनका बोलने का वो तरीका, मैं सचमुच में ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने आप कहीं अंदर कहीं अच्छा, चली व्हाट गई। अ वंडरफुल फीलिंग इट वुड बी ना। हाँ, तो इसीलिए जब मैं ध्यान कराती हूँ ना, मैं वो लाइन जरूर मतलब ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उस वाली लाइन ने ऐसे मतलब अनुभव दिया कि मतलब मैंने बता नहीं सकती। फिर मैंने सर को मतलब, ऐसे तो सर सबसे मिलते नहीं है, 200-300 लोग होते हैं, पर मैंने कहा कि सर वो वाली जो लाइन थी उसकी वजह से मैं बिल्कुल मतलब बड़े ही अच्छे से 3 घंटे तक ध्यान में चली गई। तो बोला या यू लर्न, अब मेरे को याद आ रहा, उन्होंने बोला था यू रीड उपनिषद, उपनिषद, अच्छा, क्योंकि ये लाइन शायद किसी उपनिषद से उपनिषद होगी। में या हो। तो बहुत मतलब हर एक जो हर एक जगह की हर एक ध्यान की ऐसी ऐसी मेरे मन में जो है वो बनी हुई है। तो आज का डॉक्टर सर, न्यूटन उसमें आ रहे हैं ना मैम, हाँ इंडिया हाँ हैबिटेट सेंटर, आप हाँ जा रही हैं? जी, मैं जा रही हूँ। मैं भी सोच रही हूँ अभी, कुछ क्या सोचूं समझ नहीं आ रहा है, देखते जी हैं। हाँ जी, सोचिएगा, आइएगा। जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आरती हाँ जी लेंगे सेशन तुलसी दल का, तो हम सब के ओके प्रोत्साहन के लिए जरूर जुड़े। तो जी कल आगे के पृष्ठ होंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। मंजू जी, आपका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर एकदम इंस्पायर हो जाते हैं। आज मैम सुमालखा हमको जी इतना ने भी अच्छा कुछ बोला, लग और आरती जी ने भी रहा अपने शब्द बोले, और है। अन्नपूर्णा जी जो है वो उस पॉइंट को बता देती है जो थोड़ा सा कहीं से भी मिस, तो ये मेरे को बढ़िया लगता है अन्नपूर्णा जी के बारे में। मैं मेरे द्वारा वही बोलते हैं जिनको बुलवाना है। ये तो आपने जी बात सही कही, आपके द्वारा, पर हमें सुनाई देता है ना आपके द्वारा, तो इसके लिए धन्यवाद मैम, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, शुभरात्रि। धन्यवाद थैंक यू सभी। सो मच, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू, यू। थैंक यू।